7-day challenge. 7-minute workout to lose belly fat fast at home for beginners. और क्या चाहिए? ये इतना आसान और सरल सा वर्कआउट है कि आपने दिन में सिर्फ 7 मिनट देने हैं और फिर देखिए कितनी जल्दी आपका भी इंच लॉस होगा, क्योंकि मेरा भी हुआ था। पहले मैं ये पहनती थी और ये भी सच्ची बताऊं तो थोड़ा थोड़ा टाइट था मेरे लिए, लेकिन जब से मैंने 7-minute 7-day चैलेंज एक्सेप्ट किया अपनी बेली फैट को कम करने के लिए, तब से 3 से 4 इंच घटा के मैं दिखने लगी ऐसे। और मैं चाहती हूँ कि देख रहे हर दर्शक को इसका बेनिफिट मिले, तो जल्दी से आइए और मेरे साथ साथ ये 7-minute चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। मैंने शुरू कर दिया है अपने वर्कआउट से पहले वार्म अप। उम्मीद है कि आप सब भी मेरे साथ जारी हैं, और तो और हम सब इस जंग में एक साथ हैं। तो इस फिटनेस चैलेंज के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये और फिटनेस चैलेंजेस से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी का केवल 7 मिनट देना है और इससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने पूरा 1 हफ्ता एकदम डेडिकेशन के साथ इस चैलेंज को किया। कुछ थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं इस चैलेंज में। जैसे कि आपने खाने पीने में हल्का फुल्का कंट्रोल करना है, अपना खाना टाइम पर खाना है, आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है, पानी जितना ज़्यादा पियेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और तो और दिन में 2 या 3 बार ग्रीन टी तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ ये फिटनेस चैलेंज आपने रोज सुबह करना है, और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हैं। तो वार्म अप तो हमारा हो गया है, अब हम शुरू करेंगे पहली एक्सरसाइज से। पैरों को रखेंगे इस डिस्टेंस पे और हम करेंगे नी टच। बड़ा ही आसान है, कोशिश करके जितना ज़्यादा झुक सकते हैं उतना झुकिए। जो लोग अपने टोज को टच कर सकते हैं आसानी से, तो प्लीज़ आप अपने टोज को ही टच करिएगा। और मैं कर रही हूँ एक लो इंटेंसिटी वर्कआउट जो कि सबके लिए बहुत ही असरदार है, चाहे वो बड़े हों या फिर बच्चे हों या फिर जवान हो, आदमी हो, औरत हो, सब लोग ये वर्कआउट आसानी से साथ साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगी कि आप इस चुनौती में अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करिए, सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए और उनको बोलिए कि हम सब इस चुनौती में साथ हैं, देखें ये रेस कौन जीतता है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरे साथ साथ इस वर्कआउट को कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा पूरा होता है 1 मिनट ये एक्सरसाइज करते करते। अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, उसके लिए हमने ये वाला एक्शन करना है। जितना आप अपने पैर को उठा सकते हैं आसानी से, जी हाँ, ये वर्कआउट जो है इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, उसी हिसाब से अपना ये वर्कआउट जारी रखिए। मेरी स्पीड पर ही करिए, और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर मैंने अपने पेट की मसल्स को एकदम टाइट करके रखा है, थाइज और लेग्स को भी मैंने टाइट करके रखा है। उससे क्या होता है कि लो इंटेंसिटी वर्कआउट में भी बहुत जल्दी असर पड़ता है, ये देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 7 मिनट चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम वेट लूज करेंगे तो अपनी मर्जी का कुछ भी पहन भी सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी पूरी होती है, वेल डन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थके नहीं हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने थर्ड एक्सरसाइज शुरू कर दी है, बड़ी ही आसान है। हाथ को हमने खोल बंद करना है और अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है, बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार है। जी हाँ, ये तो दिन में खड़े खड़े कहीं पर भी कभी भी कर भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। अक्सर देखा जाता है जो बेली का फैट है वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है, पेट की चर्बी नहीं जाती, बाकी सब चला जाता है। कितने मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा एक ऐसा असरदार वीडियो क्यों ना बनाया जाए जो सबकी बेली फैट को ख़त्म कर दे। बने रहिए साथ साथ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कम ऑन, यू कैन डू इट, करते रहिए। 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हम शुरू करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज। जैसे कि आप देख ही सकते हैं बिना रुके हमने ये 7 मिनट चैलेंज करना है पूरा,
वीडियो लगाइए और मेरे साथ साथ आप भी करिए और मैं भी करूँगी। और फिर देखेंगे 7 days के बाद, जब आपकी एक ब्यूटीफुल स्कल्प्टेड बॉडी, जो आपका साइड फैट है जितना भी लटकता पेट के साइड में, सब कुछ इस एक्सरसाइज से खत्म हो जाएगा। साइड पे जाते हुए सांस निकाल के करिए, पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं आसानी से उतना उठाइए। शुरू शुरू में कोई भी जरूरत नहीं है अपने आप को बर्डन करने की, आसानी से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2 and 1। अगली एक्सरसाइज है बड़ी ही आसान, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैं हो रही हूँ थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर। ये पूरा कंप्लीट स्क्वाट नहीं है, जो लोग कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बिगनर्स के लिए ही दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं झुक सकते तो देखिएगा 3 से 4 दिन में आप भी आसानी से इतना तक झुक सकेंगे। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से करिए, ये है बिगनर्स लेवल। हम सब ने बस ये देखना है अपनी डेडिकेशन के साथ साथ कि हमने ये पूरे 7 मिनट अच्छे से पूरे करने हैं। एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं और धीरे धीरे देखते देखते पता भी नहीं चलेगा हमारा समय कब पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सब मेरे साथ साथ कर रहे हैं। अब बस ये खत्म होने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज भी बड़ी ही आसान है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने ले ली हैं 2 बॉटल्स। अगर आप चाहें तो बिना बॉटल्स के भी कर सकते हैं। आपने अपना जो राइट हैंड है उसको आगे स्ट्रेच करना है और लेफ्ट लेग को इस प्रकार से करिए, और फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी लेग्स और लोअर बेली, जी हाँ लोअर बेली बड़ा ही परेशानी का सबब होती है। हम कोई भी कपड़े पहनते हैं तो नीचे एक तोन जो लटक सी जाती है उसकी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। आप अपनी लेग्स जितना भी ऊपर उठा सकते हैं आराम से उतने तक उठाइए, असर तो आपको पड़ेगा ही। कोशिश करके अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, लोअर बेली को बिल्कुल हम कर देंगे गायब। 5, 4, 3, 2 and 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। आखिरी एक्सरसाइज भी उतनी ही आसान है जैसे कि बाकी की सारी। तो इस एक्सरसाइज में जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने अपने दोनों हाथ और एक एक करके अपने पैरों को इस प्रकार से उठा रही हूँ। आप भी ऐसे ही करिए और देखिए कितनी जल्दी आपको असर महसूस होगा। मैंने अपने पेट को किया हुआ है बिल्कुल टाइट, मेरी बैक है बिल्कुल स्ट्रेट और मेरे हाथ जो हैं वो भी स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं इन बॉटल्स का। अगर आपको बॉटल्स हैवी लगती हैं तो बिना बॉटल्स के भी कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके खूब सारी रेसिपीज देख सकते हैं। उधर जाके रेसिपीज देखिए, अपनी वेट लॉस डाइट फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इन सारी एक्सरसाइजेज में से सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई। Well done. So proud of you.